हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं तकदीर कहानी का एपिसोड नंबर 21। आस्था वहां से भागने की तैयारी कर रही थी। आस्था कुछ सोच, कैसे यहां से बाहर जाना है। यहां पर रही तो ऐसे ही 4 महीने बीत जाएंगे। मिस्टर जल्लाद तो मुझे कुछ बताने वाले हैं नहीं, मुझे मम्मा या पापा से ही पूछना होगा। तभी एक लेडी सर्वेंट उसके रूम में खाना लेकर आती है। मैम, ये रहा आपका डिनर, अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप बता सकती हैं। नहीं, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, थैंक यू। वो सर्वेंट वहां से चली जाती है। आस्था खाने की तरफ देखती भी नहीं है, वो लाइट ऑफ करके वेट करने लगती है कब उसे यहाँ से जाने का मौका मिलेगा। रात के 12 बजे आस्था अपने रूम से बाहर देखती है। उसे बाहर कोई भी नजर नहीं आता, इसलिए वो मेन गेट की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। तुम कहाँ जा रही हो? समीर की आवाज़ सुनकर वो जहाँ थी वहीं बर्फ की तरह जम गई। समीर जितना उसकी तरफ बढ़ रहा था उतना आस्था की धड़कन बढ़ रही थी। समीर आकर उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यहाँ से भागने का इरादा है? आस्था ने हाँ में सिर हिला दिया और जब उसे रियलाइज हुआ उसने क्या गलती की है तो उसने ना में सिर हिला दिया। गुड, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ से भागना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। ओके, ये कहकर वो आस्था के गाल को थपथपाकर वहां से जाने लगता है। आस्था अपने मन में सोचती है, मैं भी देखती हूँ तुम मुझे यहाँ कैद करके कैसे रख पाओगे, मैं आज रात ही यहाँ से भाग जाऊंगी। भागने का आइडिया छोड़ो, ये सोचो कैसे मिस्टर शर्मा को बेगुनाह साबित कर पाओगी, क्योंकि अगर तुम साबित नहीं कर पाई तो 4 महीने क्या, पूरी जिंदगी यहाँ कैद रहने वाली हो। डू यू अंडरस्टैंड? आस्था पीछे मुड़कर देखती है, उसके पीछे समीर खड़ा था, वो उसे ही घूरे जा रहा था। आस्था फिर से अपने मन में सोचती है, क्या ये सच में मेरे मन की आवाज सुन पा रहा है? समीर ने जवाब दिया, राइट, तुम अपने मन में जो सोच रही हो मैं उसे साफ साफ सुन पा रहा हूँ, इसलिए भूल कर भी मन में मेरे लिए गाली मत देना। वो क्या है ना, मुझे गाली सुनना पसंद नहीं है। समीर थोड़ा रुका, अगर तुम्हारे मन में या मुंह से मुझे तुमने गाली दी तो उसका अंजाम तुम सोच भी नहीं सकती। समीर की आंखें इस वक्त बहुत खतरनाक दिख रही थी। समीर की आंखों को देखकर आस्था अंदर तक कांप गई। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। इटली में अथर्व तारा को बताता है। अथर्व, क्या सच में आस्था ही रूही है? हाँ, आस्था ही रूही है। तारा अथर्व को हक कर लेती है। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ। जब मॉम डैड कहते थे दीदी उस दिन मर गई थी, तब मुझे हमेशा लगता था दीदी जिंदा है, लेकिन डैड ने मुझे कभी नहीं बताया दीदी कहाँ पर है। मैंने आज तक दीदी को देखा भी नहीं है। अथर्व, क्या तुम मुझे दीदी के पास लेकर चलोगे? अभी मैं दीदी को बताना चाहती हूँ, उनकी एक लिटिल सिस्टर भी है, प्लीज़। तारा ने एक्साइटमेंट के साथ कहा। लेकिन अभी वो समीर के पास है, लेकिन जल्द ही मेरे आदमी उसे वहाँ से लेकर आएंगे, तब तुम उसे बता देना। अथर्व अपने मन में सोचता है, समीर सिंह राठौर, सिर्फ 30 दिन और, उसके बाद मैं भी देखता हूँ कैसे तुम आस्था और हेजल को अपने पास रखते हो। मिस्टर राठौर, उस दिन तारा को मैफेयर से ले जाने वाला और कोई नहीं, अथर्व सिंघानिया है। ठीक है, जब तक 4 महीने नहीं हो जाते तब तक हम अपना अगला स्टेप नहीं लेंगे। इतने एटीट्यूड के साथ समीर सिंह राठौर को उसने चैलेंज दिया है, मैं भी तो देखूं कैसे वो ये साबित करती है। मिस्टर राठौर, तो अब हम क्या करें? वेट एंड वॉच, समीर एक साइड स्माइल दे देता है। ये कहकर वो अपने बार में चला जाता है। उसके स्टडी रूम के साथ उसका बार अटैच था। वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। उसके सामने उसकी माँ थी और समीर को अभिजीत ने पकड़ रखा था। समीर की माँ बोलती है, अभिजीत, आईना को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी राठौर से है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। समीर के पेरेंट्स उसे आईनव कहकर बोलते थे। उनके जाने के बाद समीर ने किसी को भी आईनव कहकर बोलने की परमिशन नहीं दी। अभिजीत ने समीर को छोड़ दिया। समीर दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है। उसने आज पहली बार अपनी माँ को देखा था, लेकिन वो अपनी माँ के पास पहुँचता उससे पहले उसकी माँ को गोली लग जाती है। समीर उनके पास पहुँच जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं। उस दिन के बाद समीर कभी नहीं रोया। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।